हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ हो गए अपने घर में। हम लोग जा रहे हैं इंदौर घूमने। रूम पर ध्यान मत देना ज्यादा प्लीज, बहुत मैसी हो रहा। इंदौर जा रहे हैं घूमने के लिए, चाबी भूल गए। आपकी चाबी? तो अभी एक काम करते हैं, सुन, अपना चाबी यहीं रख, गाड़ी में बैठेंगे, अपना चाबी यहीं रख दीजिए यार। हां, उसके बाद में आपको मिलती हो अभी नीचे जाकर। पहली बार भी मान लो गाइस, हम लोग जा रहे हैं नीचे, इधर की गाड़ी में बैठेंगे। ये दिव्या, वो सुमित भैया नाम भी भूल गई यार मैं तो। और हमारा बोला क्या बोला? वो नीचे गाड़ी नीचे गया, मैंने उसको नीचे भगा दिया, वो बहुत लेट कर रहा था। चार्ज नहीं ले रहा है, इसका ऑप्शन कुछ बंद हो गया है, चेक करना। आ गया है, आ गया है। जब तक उज्जैन वहाँ करेंगे, अब लगा के देखना एक बार। घर से बिन पेट्रोल भरवाने के लिए रुके हैं। ये सुमित भैया कैसे गाने चला रखे हैं? सुमित भैया क्या हो गया है? क्या हो गया? मैं गाने सुन रहा हूँ। पल भर के लिए कोई हमें पल प्यार भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। ये लोग तो नहीं रहा, वाली तेरे से तो कोई झूठा भी नहीं करता यार। इस मेरा बेस्ट कर रही है पूरी ब्लॉग में, मेरा पूरा ब्लॉग में इस बंदे की बेइज्जती की है। पांडे कोई झूठा भी नहीं करता, सही बात है। ये हमारा सब काट ही चले जाते हैं, मेरा सब काट के चले जाते हैं, बढ़िया वाला। वो भी लोगों से कम से कम लेते हैं। मेरी बहन मेरे लिए ऐसा बोल रही है, इसलिए हमारा पता क्यों काटते हैं। चलो, तेरा से तो कोई झूठा प्यार भी नहीं करता, लोग झूठा प्यार तो कर ही लेते हैं कम से कम। मैं उस प्यार के लायक नहीं हूँ, मैं सिर्फ शादी करूंगा। शादी करेगा, 27 साल का हो गया ये, और 27 साल का पागल है क्या? 27 साल का जो बैठा हुआ तेरे पीछे। जब कोई बंदा जॉब करने लगता है, जब सेटल्ड हो जाता है, तो भाई सीधा सीधा सेकंड ऑप्शन होता है उसके लिए, शादी करा दो। मैं सेटल्ड हो गया, नहीं कहां कहां सेटल हूं मैं, डिमांड। अब हम इसकी शादी कराएंगे डायरेक्ट, और इसके लिए लड़की, इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की बताना गाइस, हैं गाइस, इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की बताना, क्योंकि इसके इसका तो दोस्त मैं ही हूं एक। अब जिसके सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे ना लड़की के नाम, हम इसकी शादी उसी से कराएंगे। देखो बंदा डॉक्टर है, बहुत अच्छा पैसा कमाता है। डॉक्टरी का वो का फॉर्म तो भर दिया वैसे। हाँ, बहुत अच्छा पैसा कमाता है, बहुत खुश रखेगा। नहीं नहीं बहन जी, सॉरी हम मत मारो, बेची थी यार वो बेचारा, लेनी देनी कर दे बेचारे की। ये बताओ, ये तो ये ब्लॉग मेरे पास ट्रेंडिंग हो जाएगा, बताओ मुझे। हाँ, क्योंकि हम तेरी बेइज्जती कर रहे हैं ना। अच्छी बात है, बेइज्जती उसी करते हैं। चार बंदों में एक बंदा पिसता है। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है, उसकी इज्जत है ही नहीं, इसीलिए तेरी बेइज्जती हो रही है। मोटा कहीं का यार, तुम गलत बोल रहे यार, हमसे ही मोटा बैठा हुआ यार, हमसे ये हम देखो नहीं है, देखो और हरिद्वार में थी जो वो नहीं पसंद, चुप चुप, वो पछता रही है, वो पछता रही है भाई, गलत बोल रहे हो। वो तो पछताएगी, वो तो पछता रही है। इतना क्यों है जो हरिद्वार में थी वो वाली, तुम मेरे को लेके नहीं गए तुमने, भाई हमारी गलती कहाँ थी? हरिद्वार में थी है, है जो है। तो अभी भी पछता ही रही है ना, बहुत ज्यादा पछता रही है वो, तो वो रेग्रेट कर रही है वो ऐसा बोल रही है कि तुम वो ओटी भी मेडिकल रो रही है यार, बताओ इतना रो रही है वो के लिए। और ये ऐसा इसको ऐसी चुल मची हुई है ना कि मैं उसके लिए शॉपिंग करके ले जाऊंगा, मैं उसके लिए, मेन कारण ही हमारा इंदौर जाने का, वही उसी वही है। नहीं नहीं हाँ, तो आज इंदौर जा रहे हैं ना हम,
बस ये शॉपिंग करेगा तो हाँ, उसके लिए करेगा और हमारे लिए भी कम से कम कितने नो पार्शियलिटी। मैं उसके लिए कुछ तो लेके जाऊंगा पक्का है। कुछ क्या होता है मतलब बंदे के मुंह से? इसने ये नहीं बोला मैं अपनी बहन को कुछ दिलाऊंगा उसके लिए कुछ लेके जाऊंगा। हाँ। मैं अपनी बहन लोगों को भी कुछ दिला दूँ ये नहीं हो रहा है इससे। बहन साथ जा ही रही है यार। बहन साथ जा रही है क्या मतलब है? कुछ दिलाना भी होता है बहन। हाँ, निशानी कैसे रखेंगे कि हाँ हमारा एक चोमू भाई था। निशानी है ना यार? निशानी एक मेरी बहन यहाँ पे एक मेरी बहन ये रही। दोनों बहन का मतलब क्या होता है? तू मेरे को शॉपिंग कराएगा सिस्टर। मेरे के लिए सब कुछ है और मतलब इसकी दो दो बहनें बैठी हुई है यहाँ। बहन तो साथ में है यार। वो बस बहन है इसके लिए बस बहन। बहन नहीं है मैं तेरी बहन हूँ। बहन है बट कुछ दिलाएगा तो हमें लगेगा कि हाँ चलो। तूने पार्शियलिटी नहीं की अपने प्यार और बहन के साथ। नहीं ये तो चलती रहेगी। हम आपको मिलते हैं लोकेशन पे जाकर। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं इंदौर। एंटर कर लिया हमने इंदौर में अभी किया कपाल जस्ट अभी। वेलकम वेलकम। ये मैं हूँ ये मेरे फ्रेंड हैं। वेलकम टू इंदौर। हम पहले मॉल जाएंगे है ना? हम पहले जाएंगे मॉल कुछ खाएंगे शॉपिंग करेंगे गेम खेलेंगे उसके बाद जाएंगे कुछ अच्छी सी जगह। मुझे ना सेंचुरी 21 फर्स्ट का ऐसा चंडीगढ़ तो है ही सबसे अच्छी जगह। चंडीगढ़ पूरा ही बढ़िया है यार। चंडीगढ़ तो निकल गया मेरी टांग मत खींचो। टांग तो खिंचाएगा मुँह से निकल गया। खींचते है चल तू पहले। ये बहुत ज्यादा भौंक रहा है इसका मुँह बंद करना जरूरी हो गया है। कोई बात नहीं हमारे बेस्ट उतार लो। कोई बात नहीं बेजी क्या उतार ले बेजी। तो आप इंदौर देखो ये देखो लोकेशन कैप्चर कहाँ है निकल गया। जब निकल जाता है तब तो बताते हो तुम लोग मुझे। हमने देखा ना इधर ऊपर देखो ट्रेलर बाहर एक एक ब्लैंकेट उठाया गया वहां से। कहां से खाते हैं गर्मी है ऐसा बहुत गर्मी। हाय गर्मी भाई साहब। अंकल आप करते फॉग यहां तो फॉग है ही नहीं यार। जी खुला है अभी रुको कहीं रिटर्न होंगे जब होगा। भोपाल कितनी दूर है अंकल यहाँ से? 200 किलोमीटर। भोपाल में गई हुई हूँ वैसे ना। भोपाल कैसा है? हम तो भोपाल के फिर तो टच में ही है। हाँ। भोपाल अच्छा है। भोपाल में चाय बढ़िया मिली थी। मतलब हमें चाय पीने के लिए भोपाल जाना पड़ेगा। सॉरी गाइस हम चाय पीने के लिए नहीं 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 यार ऋषिकेश जाते थे। हम ऋषिकेश जाते थे बस हरिद्वार। मतलब 28 घंटे का सफर कर सकते हैं। हमें चाय पीने के लिए भोपाल जाना पड़ेगा। नहीं नहीं इंदौर में ही कॉफी पी लेंगे। इंदौरी जो इंदौर इंदौर का कचौड़ी फेमस है। इंदौर का कचौड़ी फेमस है। मेरा तो वो खाने अभी तक नीचे नहीं उतरा। ये हिमांशु डॉक्टर हिमांशु एंड डॉक्टर हिमांशु त्यागी और डॉक्टर कीर्ति त्यागी उनका ये घर है और वो लोग अभी यहाँ आए हैं। मिलना चाहोगे तो मिल लो। ठीक है चलो मिलते हैं चल के। हमारे आने से एक दिन पहले आए थे 2024 वाली जगह पे फोटो क्लिक कर रहा है। गाइस अब हम आ गए इंदौर मॉल में आए अभी हम। देखो कितना सही है यार बहुत अच्छा है। स्टेटस नहीं लगाए हुए यार। स्टेटस और स्टेटस क्या होता है? स्टेटस होता है वो मोमोटोस मिनी सो चलेंगे मिनी। गाइस अब इंदौर पहुंच चुके हैं और अभी हम आए डायरेक्ट मॉल में क्योंकि ये हमें स्टारबक्स की कॉफी पिलाएगा। मैं भी हूँ आज कॉफी इसके तरफ से। और हमारी गाड़ी हमारी अंकल जी पार्किंग के लिए अंदर ले गए हैं और आज हम 2024 की बस चले आते हुए चलेंगे ना।
अरे मिस हो जाएगा अगर इधर उधर से निकल नहीं, नहीं, नहीं सुन तो लो अगर वो गाड़ी तो देसी आएगी लाइट में लगा दो लाइट चलो अरे तुम पागल है सुन मामी फ्रेश फ्रेश ये लोग आपस में लड़ रहे हैं देख लो ये मतलब एक एक फोटो कराने के लिए 2024 की हाँ। एक फोटो कराए मैं भी ये लो ठीक है मैं भी चलता हूँ अब पहुँच के हम लोग आपको दिखाते हैं। ये हम इंदौर सिटी के अंदर एंटर कर चुके हैं और अब ये गाड़ी में से पार्किंग में से उतर चुके हैं। ये सन्नी गोला ए गोला और ये दिव्या दिव्या मैडम सुनील चूतिया और ये मैं ये सारा बेबड़ा है इसको कुछ पता ही नहीं किसका किसका माल है तो ये बिका हुआ तो है ही ये अपनी मम्मी की बिकी हुई औलाद है यस बोल रहा है यस बोल रहा है ऊपर से वाओ ये इनको इतना एक्साइटेड हो रहा है कि गाड़ी से उतरते ही सीधा यहाँ पे आए हैं ये लोग गाइस गाइस कांगे गाइस फोन आ रहा है किसी का लो बात करना जरा गाइस इन लोगों की मस्ती देखो दिव्या फोटो खिंचवाने के लिए खड़ी है लेकिन दिव्या फोटो खिंचवाने के लिए खड़ी है लेकिन नहीं किसी को कोई कुछ नहीं पड़ी नहीं आ रहा नहीं आ रहा यार भैया खड़े हो भैया अरे भैया भैया खड़े हो भैया फोटो भैया फोटो भैया फोटो भैया फोटो भैया फोटो भैया यार मैं भैया की फोटो लेती थी वो लड़की भाग गई वहाँ से हाँ वो चली गई यार मैं सुमित भैया की फोटो लेती थी वो लड़की भाग गई वहाँ से अबे गंदा वैसे भैया इधर पोज दो इधर की तरफ तरफ पोज दो ऐसे करो ये वाला हाथ ऐसे वो वाला ये क्या भीख मांग रहे हो खड़े होके मेरा भी अकेला रह गया वो मैं तो अकेला हम तीनों मैं तो अकेला रह गया ओ गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले बाय बाय।